प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को 8 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। करीब 18 महीने बाद लोक भवन में संपन्न कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल हुए। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रदेश कैबिनेट की यह पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मंत्रिमंडल के साथ ही साथ सरकार के कामकाज और भविष्य की रणनीतियों पर भी मंथन किया। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में नीतिगत निर्णयों के बाद केंद्रीय नेतृत्व में सुझाव और निर्देशों को सरकार के स्तर पर अमल के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। 23 जून से 6 जुलाई तक की भी कुछ कार्यक्रम चलेंगे, इसमें विशेष रूप से वृक्षारोपण का आएगा, उसमें भी एक रिकॉर्ड वृक्षारोपण का कार्यक्रम होने वाला, हाँ वो दिया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 23 जून से। और इस पर आप लोगों को उसका डिटेल वन विभाग अलग से निर्णय करके पूरा दे देगा कार्य योजना। और 27 जून को विशेष रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जी की जो मन की बात है उसमें हर बूथ पे कार्यकर्ता जरूर सुने और प्रभारी मंत्री भी प्रवास का कार्यक्रम करते हुए वहाँ पर बूथ पर एक बूथ पे जरूर उस पर जाके सुने। तो इस प्रकार की कार्य योजना भी दी गई, जिसकी जो अलग से मंत्री मंडल की जो बैठक थी उसमें भी ये जानकारी